प्रीति तुम मामी जी का ख्याल रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ? माँ मंगेश के बच्चों को किसी ने उठा लिया। क्या? हाँ तो मामी जी बच्चों को पार्क लेके गई थी घुमाने, वहाँ बच्चों को भगा ले गया। ऐसे कैसे भगा लिया? और वो क्या कर रही थी? मुझे कोई पहचान वाला मिल गया था, उसी से बात कर रही थी। वो अकेली थी? हाँ। आप हंस क्यों रही है माँ? राज तू मान न मान, तेरे सास ने ही बच्चों को उठवाया है। पागल हो गई है? वो ऐसा क्यों करेंगी? वो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी, अब मंगेश ने तो शादी कर ली है, तो अब रश्मि के बच्चों को उसकी जिंदगी से हटाने के लिए उसने ये सब किया। चुप रहिए माँ, मामी जी इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकती। तू नहीं जानता औरत अगर वजह से हो जाए तो वो क्या क्या कर सकती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मामी जी उनमें से नहीं है। लेकिन तू क्यों इतनी उसके साइड ले रहा है? क्योंकि मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। पागल है, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और बेटी की शादी हो जाए। तब तुम्हें जो बेनाम फोन आए थे वो मुझे लगता है वो उसी ने किए थे, और प्रीति के फोटोग्राफ्स भेजे थे वो उसी ने भेजे होंगे। अपनी ही भांजी के इतने गंदे फोटोग्राफ्स भेजेंगे वो? उससे अगर तेरी शादी रुक जाती थी तो ये कुछ भी नहीं था। तुम नहीं जानते अपनी बात मनवाने के लिए औरतें क्या क्या कर सकती हैं। यही बात मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने तो परमिशन दे दी तुम्हारी शादी के लिए। शुरुआत में आप भी शादी के लिए राजी नहीं थी। मैं कैसे राजी होती? गाँव की एक गवार लड़की, उसे अपने घर का पता याद करने में एक महीना लगा, उसे अपने बहू मानने में मैं कैसे राजी होगी? फिर भी मैं मान गई तुम्हारी खुशी के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैंने ही फोन किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने किए, मैं कह रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। और उसी माँ प्लीज, मेरे पास आपके साथ बहस करने का वक्त नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। जा जा, अपनी सास के खिलाफ कंप्लेंट लिखा, देखना उसे पता होगा बच्चे कहाँ हैं। बच्चों की तस्वीर दिखाइए। ले लीजिए इंस्पेक्टर। ये इनके बच्चे हैं? हाँ। लेकिन उम्र से तो लगता नहीं कि इनके बच्चे हैं। ये मेरी पत्नी के पहले पति के बच्चे हैं। ओ, तभी मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई लफड़ा जरूर होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका असली बाप किधर है? अमेरिका में। इसका मतलब ये कि वो उसकी पत्नी और बच्चों को भगा कर लाया है। इन्होंने उनसे शादी की है। जरूर उस आदमी की मर्जी के खिलाफ शादी की होगी। इन बातों का बच्चों के खो जाने से कोई ताल्लुक नहीं। आप प्लीज बच्चों को ढूंढ निकालिए। ताल्लुक कैसे नहीं है? इसकी बीवी ने अपने पहले मर्द को धोखा दिया होगा, उसने बदला लेने के लिए इसके बच्चों को अगवा किया होगा। उसका पहला पति अमेरिका में है, यहाँ नहीं है। आपको क्या मालूम? वो यहाँ आया होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों के असली पिताजी को हम आपके सामने ले आए? वो बात नहीं है। क्या क्या? आपका नाम क्या है? उससे आपको क्या मतलब? देखिए मैडम, तमीज से बात कीजिए, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, कोई गुलाम नहीं है। गुलाम तो हम है जी, हम गुलाम है, आप तो मालिक है। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज कंप्लेन लिखिए। तो फिर इनसे कहिए कि जरा तमीज से बात करें। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ तो मिस्टर मंगेश, आपकी पत्नी का पहले पति के साथ डाइवोर्स हो गया था, तब शादी की थी, उसके पहले की थी शादी। इंस्पेक्टर साहब, आपको बात की इमरजेंसी का कुछ अंदाजा है? इनके बच्चे खो गए और आप? हाँ हाँ बोलो, क्या आप इनकी पर्सनल हिस्ट्री के पीछे पड़े हैं? अरे जिसको देखो हमको हमारा काम सिखाता है। तुम लोग झगड़ा करेगा आपस में, लड़ाई करेगा, उसके बाद हमको भागना पड़ता है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी इसके बच्चे को उठाया गया होगा। बच्चे खो गए, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है। बात बराबर है, लेकिन इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी रूटीन इंक्वायरी हो गई है तो आप बच्चों को ढूंढने की आपको किसी का शक है? नहीं। ओके, आप लोग जाइए, हम देखते हैं, जैसे ही कोई बात मिलती है हम आपको खबर करते हैं। ओके, पर कब तक खबर मिलेगी इंस्पेक्टर साहब? देखिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब भी हमको खबर मिलेगी
हम आपको खबर करेंगे, ओके? चलो, let's go. यहाँ कुछ नहीं होने वाला. तो फिर क्या करूँ? कंप्लेन कैंसिल करूँ? कैसे आदमी हैं? यहाँ किसी के बच्चे खो गए हैं और आप में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि आप कमीज से पेश आए? बच्चों के रिश्तेदारों को धीरज दिलाने की बजाय आपको बस ऐसा हम करते बैठे तो हो गया. देखिए आप लोग जाइए, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको खबर करेंगे, ओके? पांडो गाड़ी निकालो. प्रकाश था जिसने लास्ट टाइम हमारी मदद की थी, है ना राज? हाँ. चले. मुझे नहीं लगता हमें ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए. शीतल, इस वक्त ये सब सोचना जरूरी नहीं है. इस वक्त जरूरी है बच्चे मिलने. मुझे भी लगता है प्रकाश हमारी मदद कर सकता है. उन लोगों को सब पता होता है कौन कहाँ क्या कर रहा है. तो पुलिस को भी मालूम रहता है. लेकिन ये लोग तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है. देख शीतल, अगर तुझे वहाँ जाना और लग रहा है तो तू घर चली जा और मामी का ध्यान रख. हम लोग वहाँ पहुँचते हैं. मेरे बच्चे कहाँ हैं? Where are my kids? आप मुझे मेरे बच्चे लौटा दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी. आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? मैं ऐसा क्यों? आप हमको पहले से ही हेट करते थे. प्लीज प्लीज मुझे बच्चे लौटा दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी. आपने सोचा होगा कि मंगेश का बच्चा आएगा तो उसे ही सब कुछ मिल जाएगा. अगर मैंने ऐसा सोचा भी तो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया. तू तो देख रही थी बच्चे मेरे साथ कितने घुल मिल गए. हो सकता है कि ये भी आपका नाटक हो मेरे बच्चों से बदला लेने के लिए. क्या कह रही है माँ जी? How can you be so careless माँ जी? बच्चे खेल रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी. प्रिया और प्रकाश, और देख मैं बुरी हूँ लेकिन इतनी भी बुरी नहीं कि बच्चों से मैं बदला लूं. मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो माँ जी. मेरे बच्चे खो गए हैं. अब मेरे बच्चों को ढूंढ निकल. देखिए अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना तो मैं आपको पुलिस के पास भी गए थे लेकिन प्लीज प्रकाश भाई, कैसे भी करके आप उन्हें ढूंढ निकालिए. आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा. ये तो तभी हुआ ना जब मैं तेरी मामी को मिलने को गया था. आपने भी तो उन्हें देखा होगा माँ के साथ. ध्यान नहीं था उधर. मेरे को मालूम पड़ता ना कि किसी ने बच्चा लोग को उठाया, साले का हाथ पांव तोड़ डालता मैं उधर. बहुत हलकट लोग हैं साला, बच्चा लोग को उठाता. मंगेश भैया प्लीज प्लीज आप मत रो. मंगेश देख ऐसा रो मत. तो बोलता ना बच्चा लोग जल्दी मिल जाएगा तो नहीं करें. ये किसी चिल्लर लोग का काम है. बोलेगा ना तो उनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाएगा बच्चों को. आपको चिंता मत. अब जो चाहे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ. ऐसा बात काय को करता है तू? मेरे को कुछ नहीं मांगता है, मैं भी ढूंढ कर निकालता हूँ उनको. हेलो तात्या, ये प्रकाश बोलते. हाँ वो बच्चा लोग को उठाया ना अभी गार्डन से, उसका फोटो मेरे को मिला अभी. मैं वो सदा के याद तेरे को फोटो भेज रहा. बच्चा लोग को फोटो ध्यान से देख तो पता लगा कि किसी किसका काम है. अरे मेरे को लगता है किसी चिल्लर का काम है. हाँ देख करते हैं, मेरे को बच्चा लोग 24 घंटे के अंदर अंदर मांगते हैं. क्या करने का तेरे को मालूम? बाद में फोन कर दूंगा. मैं बोला उसको बच्चा लोग मिल जाए, तुम लोग आराम से घर पर.
लोग रुकते हैं ना, वो लेके आएगा ना। अरे कुछ फायदा नहीं है रे मंगेश, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना उसको। मैं फोन करता है ना आप लोग को। प्रकाश भाई हम थोड़ी देर और रुकते हैं, आई प्रॉमिस हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रीति मेरे ख्याल से हमें घर जाना चाहिए, शायद बच्चों का घर पर ही कुछ पता चल जाए। प्लीज प्रकाश मेरे बच्चे को दूर दीजिए। ऐसा काय को करता रहे तू, मैं बोलता ना तेरे को 24 घंटे के अंदर अंदर मैं तेरे बच्चों से तेरे को मिलाएगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना बोला आई चीज शपथ मेरे धंधा छोड़ता। मैं बोलता ना तेरे को, तू क्या घर पे जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रकाश भाई ने कहा है 24 घंटों के अंदर बच्चों को ढूंढ निकालेगा। शीतल मामी कहा है? पड़ोस में गई है, आंटी आकर अभी उन्हें ले गई। क्यों? रश्मि कहा है? मामा जी के साथ गई है। मैं तो इसलिए रुक गई कि अगर कोई फोन होना है तो मैं अटेंड कर लूंगी, पानी लेकर आती हूँ। नहीं ठीक है। मंगेश भैया मुझे लगता है आपको एक बार मामी जी से बात करनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, शी फील्स कि उनकी वजह से बच्चे गुम हो गए। ऊपर से रश्मि भाभी ने भी कह दिया कि उन्होंने जानबूझकर बच्चों को घुमा दिया। एक्चुअली खुद इतनी अपसेट है कि आई नो। आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए ना, बहुत रो रही थी बेचारी, इसलिए मैंने आंटी से कहा कि थोड़े टाइम के लिए यहाँ से ले जाए। मंगेश भैया, प्रीति जब तक बच्चे नहीं मिल जाते तब तक आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। पर सर बात तो कर लो ना। यस मंगेश, मैं उन्हें बुला कर लूँ। बुला। मामी जी को समझने की कोशिश करो। हेलो, हाँ हाँ प्रीति तुम्हारा फोन। हेलो, अगर बच्चों को देखना चाहती हो तो आप। हेलो हेलो कौन हो तुम? प्रीति, प्रीति क्या हुआ इसे? इसका फोन है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ प्रीति, किसका फोन है? क्या हुआ प्रीति, कुछ बोलोगी? वो कह रही थी कि अगर बच्चे मिलना चाहिए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूं। डेस्परेटली हमारी शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कौन है राज और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, बच्चों को कुछ नहीं होगा प्रीति, कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश करो, कुछ तुम्हारी माँ ही है जो पहले दिन से हमारी शादी के खिलाफ है। लेकिन वो अब इस शादी के लिए राजी हो चुकी है प्रीति। हाँ राजी हो चुकी है, पर हो सकता है वो सिर्फ दिखावा है, हो सकता है अंदर से वो नहीं मानते और बाहर से तुम दिखावा कर। Don't stretch it too far, प्रीति. Just don't stretch it too far. मैं जानता हूँ मेरी माँ मुझे लेकर कुछ पोसेस है, लेकिन वो मंगेश के बच्चों को किडनैप नहीं करवाएगी, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। हमारी माँ तो नहीं कर सकती है, और जिस औरत का फोन आया था ना राज, वो एक औरत ही है। तुम्हारी माँ नहीं कर सकती वो औरत। मामी नहीं हो सकती क्योंकि मामी ऐसी नहीं, और वो ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरी माँ भी ऐसा काम नहीं कर सकती, समझे तुम? राज तुम्हारी माँ नहीं कर सकती।
रश्मि से बात करनी है। मैं राज की माँ बोल रही हूँ। बोलिए आंटी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। मैंने बच्चों के बारे में सुना, ऐसा कैसे हुआ बेटा? पता नहीं। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ना बेटा ना, रोना नहीं। राज है ना वहां पर, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, इस बात को तुम बिल्कुल लाइटली मत लेना। मैं जानती हूं ये सब तुम्हारे सास ने करवाया है। क्या? कंप्लेंट करना तुम उसके खिलाफ। कर ही नहीं सकती। कितनी भोली हो तुम? तुम नहीं जानती किस कदर वो तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे बच्चे हट जाएंगे तो मंगेश के बच्चों को। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? फोन में क्या बकवास की जा रही हो तुम? चुप रहो तुम। तुम नहीं जानते बेटी की मामी कैसे होंगे। अच्छा, तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है ना? हाँ, उसी ने बच्चों को अगवा करवाया है। वो क्यों अगवा करवाया था? मंगेश के बारे में वो बहुत पजेसिव है, और ऐसी पजेसिव औरतें क्या क्या कर सकती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम पॉजिटिव, तुम नहीं चाहते कि राज की जिंदगी में कोई औरत आए। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, तुम बहुत पॉजिटिव हो। पिछली बार भी तुमने मोहिनी और राज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की। क्या कह रहे हो? मैंने मोहिनी को सताया? हाँ, सुनने में तुम्हें बहुत खराब लगेगा लेकिन ये सच है। तुमने बहुत कोशिश की कि मोहिनी राज की जिंदगी से दूर चली जाए। तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूं। लेकिन कुछ करने से पहले सोच लेना। मेरी बात को मजाक में मत लेना, मैं तुम्हारी हर चाल को नाकामयाब कर दूंगा। तुम मुझसे इस तरह बात मत करो, वरना। वरना क्या कर लोगे तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो